स्टूडेंट तो स्वागत है आप सभी के अपनी कोचिंग स्टडी कैंपस और आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किन्हीं दो नंबर और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन की। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हम आज देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन एनी टू नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका रिलेशन क्या होता है, आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो जो दो नंबर मान लेते हैं, कोई ए है और ए बी है, जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू में किसके होता है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है हमारा क्या रिलेशन इनके बीच में, इनका क्या ये रिलेशन। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, इसका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एक मेथड जो हम जानते हैं उससे करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा मेथड भी बताएंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं। जो मेथड हमको पता है कि हम 26 को 91 से पहले डिवाइड देंगे, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 78, 7 करी और 6 ये हो गया 78, ठीक है। 11 में से 8 माइनस किया कितना आया 3 और इधर कितना बचा 13। अब ये हमारा किसका काम करेगा, डिवीजर का काम करेगा और हमारा 26 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो 13 से डिवाइड किया किसको, 26 को, कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में। इसका एचसीएफ कितना आया, 13 आया। एचसीएफ इसका कितना आया, 13 आया। एलसीएम आसानी से निकालेंगे, आसानी से कैसे, देखिए एलसीएम निकालने के लिए 26 और 91 का एक साथ क्या कर दीजिए आप, एलसीएम कर दीजिए। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में ले जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर अब इसको 7 टाइम्स में ले जाते हैं, 7 13 ऐसे रहेगा और ये आ जाएगा 13। अब 13 से इसको कर दिए, 1.1 आ गया। इसको मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 7 × 13, 2 × 7 = 14 और 13 इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये हो गया 12, 1 कैरी और इधर हो गया क्या 18। इसका एलसीएम कितना आया, 182। एक मेथड तो ये था इसको सॉल्व करने का, अब दूसरा मेथड क्या है हम देखते हैं। जैसे कि हम एलसीएम निकाल चुके हैं, 13 आ गया मेरा, तब हम इनका रिलेशन पे अप्लाई करते हैं। देखिए एक नंबर क्या दिया हुआ है हमारा, 26 दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, 91 दिया है। दोनों को प्रोडक्ट किया, इज इक्वल टू में एलसीएम कितना निकाल, एलसीएम हम निकालते हैं, एचसीएफ हमको पता चल गया कितना, 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इसको इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइड में क्या कर दीजिए, 13 इज इक्वल टू एलसीएम। इसको काट दीजिए, 13 × 13 = 13, 13 × 7 = 91। अब 26 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आ जाएगा। तो 18 × 7 = 44 2 हो गया और ये कितना आ गया, 182। चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।